उधर नीमच में लापता नेहा जोशी की तलाश तेज करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित सर्वधर्म समाज और व्यापारिक संस्थाओं ने सोमवार को जिला बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही विहिप बजरंग दल की टोलियां बाजार में निकली, दुकानों को बंद कराने में जुट गई। दरअसल पिछले 14 महीने से नेहा जोशी लापता है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ नेहा के पिता राकेश जोशी ने 14 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। 31 मार्च को विहिप बजरंग दल ने भी ज्ञापन जो है वो पुलिस अधीक्षक को सौंपा था, जिसमें मांग की गई थी कि 3 अप्रैल तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना आंदोलन किया जाएगा। प्रकार की जानकारी मिली कि नीमच जिले से 242 युवतियां बालिकाएं मिसिंग है और विश्व हिंदू परिषद ने इसका कड़ा विरोध करा है। तो जो जिस प्रकार से अभी जो नेहा जोशी का विषय आया है उसके ऊपर में जो भी उस थाना प्रभारी जिसने भी इसकी जांच करी उस पर गाज गिरनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। आज नीमच जिले में संपूर्ण नीमच जिला बंद है और इसको लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश है और जल्द से जल्द 14 माह हो गए, उस बेटी का पता नहीं लगा नेहा जोशी का, उसके विषय को लेकर नीमच जिला बंद है और जल्द से जल्द उस बेटी का पता करे, प्रशासन ध्यान लगाए। ये बहुत ही गंभीर मामला है और हिंदू समाज में काफ़ी नाराजगी है। देखिए, ये जो एक युवती है नेहा जोशी जो अभी तक मिली नहीं है, उसमें हम लोगों ने एक SIT का गठन भी किया है जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 1 DSP रैंक के अधिकारी हैं और उसमें 24 आवर उसमें टीम लगी हुई है। डेफिनेटली अभी तक उसमें कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं, बट जैसा हमने जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको भी हमने डेटा प्रोवाइड कराया था। ऑपरेशन मुस्कान भी हम लोग लगातार उसको चलाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। चलिए, और भी ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश का हम रुख करेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 14 महीने से नेहा जोशी जो है वो लापता बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जिले में बंद का आह्वान भी किया गया है, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। पिछले 14 महीने से नेहा जोशी जो है, जिसका जो अभी तक अता पता पुलिस को नहीं मिल पाया है, पुलिस इनके परिवार वालों का कहना है कि इसके परिवार वाले लगातार अलग अलग ढंग से हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और इनके पिताजी तो ICU में तक भर्ती हो गए, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस तह तक नहीं पहुंच पाई है, जो निश्चित रूप से कहीं कहीं पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और नीमच जिले की मैं अगर बात करूं, नीमच जिले में अभी विगत लंबे समय से इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद और अन्य संस्थाओं ने मिलकर नीमच जिले का बंद का आह्वान किया। उस बंद को लेकर ही आज पूरे नीमच जिले में चप्पे चप्पे पर पूरी तरह बंद रहा, पुलिस प्रशासन तैनात रहा, लेकिन पूरे मामले में आपको बताना चाहूंगा कि एक आक्रोश जो है ये लगातार इस प्रकरण और इसके अलावा भी नीमच के मनात ये घटना मनाता है कि इसके अलावा मैं आपको बताऊं जावद और अन्य जगहों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, जिसके चलते है आज ये आक्रोश देखने को मिला। जी जया, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जानकारी के लिए। तो 14 महीने से नेहा जोशी लापता है और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसके चलते लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा अब बढ़ता जा रहा है।